हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लर्न स्किल्स विद वैष्णवी में स्वागत है। जैसा कि हम सभी ने अपने पिछले वीडियो में क से आगे के वर्णाक्षर सीखे थे कि हम शॉर्ट हैंड में उनको कैसे लिखेंगे, अब हमारी वर्णमाला ख़त्म हो चुकी है तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। एक्सरसाइज से हमें प्रैक्टिस होगी और हमें काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा, जिससे कि हम अपने शॉर्ट हैंड बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। इसको ध्यान से देखिएगा और आप भी करते जाइएगा, इसको गेस करके बताइएगा कि ये मैं क्या लिखने वाली हूँ और क्या लिखेंगे हम इसमें। ठीक है, आइए चलते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये मेरी लाइन पर ये लेफ़्ट साइड के झुकाव में लाइट बना हुआ है, तो आप बताइए ये क्या होगा। तो जी हाँ, ये हमारा पा होगा। पा जो होता है वो लेफ़्ट साइड के झुकाव में होता है और लाइट बनता है। ये देखिए, ये हमारा 90 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइट है। आप बताइए ये क्या होगा। ये त होगा, जैसा कि आप सभी समझ रहे होंगे। अब ये देखते हैं कि ये क्या होगा। तो ये देखिए, ये राइट साइड के झुकाव में है और ये डार्क लाइन है 60 डिग्री पर, तो ये हमारा जा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए, ये हमारा नीचे की ओर है। ये अब आप डाउट में होंगे कि ये ला है या रा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी पुरानी ट्रिक। लरश, लरश, लरश में हमारा देखिए र सेकंड नंबर पे आ रहा था ना, और ला जो था पहले नंबर में था। तो अब हम इसको एक ट्रिक कह सकते हैं कि ला जो था वो पहले आया, पहला यानी ऊपर, और रा जो बाद में आया तो हम उसको नीचे मान लेते हैं। तो ये जो रा है, ये रा तो होगा, लेकिन कौन सा होगा। जी हाँ, बिल्कुल नीचे वाला होगा। आइए चलते हैं अब हा की ओर। ये देखिए, जैसा कि आप सभी समझ रहे होंगे कि ये हा है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि डाउट में हो कि ये कौन सा हा है। तो मैंने आपको क्लियर किया था कि ये जो है, ये नीचे डंडा, ये देखिए, ये जो डंडा है ये नीचे की ओर छू रहा है, इसलिए ये हमारा नीचे की ओर होगा। आप शॉर्ट हैंड में वर्णमाला सीखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या तो मेरे चैनल लर्न स्किल्स विद वैष्णवी में भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं ये हमारी नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो ये देखिए, ये हमारा उल्टा चंद्रमा है, और उल्टा चंद्रमा में कट नहीं लगा हुआ है, यानी कि उल्टा चंद्रमा में ग्रहण नहीं लगा है। जब ग्रहण नहीं लगा है तो आप बताइए ये क्या होगा। ये हमारा माँ होगा। आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियो को, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको और क्या नहीं समझ आ रहा है, तो मैं उस पर फोकस करूँगी। आइए चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए, ये हमारा लेफ़्ट साइड के झुकाव में 120 डिग्री पर डार्क बना हुआ है, तो ये हमारा बा होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा डार्क बना हुआ है, तो 90 डिग्री पर है, स्ट्रेट है, तो ये हमारा डा होगा। आइए चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए, ये मैंने आपको ये दो सर्कल बताए थे, हाफ सर्कल बताए थे, जिसमें से ये हमारा ता वर्ग है, ये लेफ्ट ता, यानी कि ये लेफ्ट ता मेरा, और ये राइट ता। ये देखिए, सिर्फ हमें इतना याद रखना है, इससे हमारा ता वर्ग क्लियर होगा। तो अब आप बताइए, ये देखिए, ये ता है, तो ये दायां ता होगा या बायां ता होगा। जी हाँ, ये दायां ता होगा, यानी कि राइट ता होगा। तो ये देखिए, राइट ता, दायां। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये ता लिखा हुआ है, ये ता बायां है। अब नेक्स्ट ये देखिए, आप बताइए। जी हाँ, ये प होगा, ये स्ट्रेट है, लाइट है, था होगा। ये देखिए, ये लाइन पर अर्ध चंद्रमाकार है, वो भी डार्क है, डोंट फॉरगेट, डार्क है ये। तो डार्क क्या होता है हमारा, डार्क हमारा अंगा होता है। ये देखिए, ये रहा हमारा उल्टा माँ, आई मीन उल्टा चांद है, और चांद में कट लगा हुआ है, चांद में कट लगा हुआ है, यानी कि
ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण मतलब रा, रा मतलब ना। देखिए शायद आपको इससे समझ में आए कि ये हमारा ना है, क्योंकि ग्रहण से आपको ना याद रहेगा। आपको अगर ना और माँ में कन्फ्यूज़न है तो इसमें ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए ये ना होगा। आइए चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए ये मेरा ला है और ये ऊपर की ओर है। जी हाँ, तो ये मेरा ला ऊपर की ओर। मैं ऊपर नीचे को शॉर्ट में लिख रही हूँ, दायां बायां को भी शॉर्ट में लिख रही हूँ। दायां का दा, ऊपर का ऊ। आई होप आपको समझ में आएगा। आइए चलते हैं। ये देखिए ये हमारा लाइट अर्धचंद्रमाकार है, सॉरी अर्ध सर्कल के रूप में है, यानी हाफ सर्कल के रूप में। ये देखिए ये मेरा तावर्ग, और ये मेरा तावर्ग हुआ। और तावर्ग में जब ता में कट लगाते हैं तो वो हमारा था होता है। तो ये कौन सा था है? ये बायां था, सॉरी दायां था है, ये राइट था है, क्योंकि ये मेरा ये वाला हाथ है। तो ये हुआ मेरा दायां था। आइए चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए ये है मेरा ऊपर की ओर डंडा जा रहा है, तो ये मेरा हा ऊपर की ओर होगा। फाइन, अब आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सा होगा। जी हाँ, ये नीचे वाला होगा। ये चीज़ें जैसे कि ये देखिए ये पा अब तीसरी बार आया है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये बार बार मैं क्यों करा रही हूँ। तो आप इसको करते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि शॉर्ट हैंड हमारी प्रैक्टिस मांगती है। इसको हमें डेली करते रहना है, बहुत करना होता है इसमें, ताकि हमें भूलना नहीं है इसमें कुछ। आगे चलते हैं। ये देखिए ये हमारा 0 डिग्री पर है, कट लगा हुआ है। ये हमारा खा है। ये देखिए ये नीचे से ऊपर गया है। मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ, नीचे से ऊपर में और ऊपर से नीचे में। ये देखिए नीचे से ऊपर जब जाएगा तो ये ऑलमोस्ट झुका हुआ होगा। मैं आपको चा में भी बताती हूँ। ये देखिए ये ऐसे चा बन तो सकता है, बट ये समझ में आ रहा है कि मैंने नीचे से उठाया है। जबकि अगर मैं चा ऊपर से उठाऊंगी तो ये देखिए ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ये चा है और ये रा है। चा जो होता है उसमें झुकाव कम होता है, और जो रा होता है उसमें झुकाव ज़्यादा होता है, और वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो ये रा हमारा ऊपर की ओर है। आगे चलते हैं। ये देखिए ये मेरा डा है, ट ठ ड। ये मेरा था है दायां। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये सब मेरी एक ही एक्सरसाइज है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको कितने सारे वर्ड बता रही हूँ। ये सब मेरी एक ही एक्सरसाइज है। अगर आप कोई बुक चाहते हैं तो उसके लिए हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए सबसे अच्छी बुक ऋषि प्रणाली की मानी गई है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। उसकी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ। आइए चलते हैं। ये देखिए अब आप मुझे बता सकते हैं, आई होप कि आपने ये गेस कर लिया होगा ये क्या है। आइए चलते हैं। ये भी आपने गेस कर लिया होगा, तो ये अब आप बताएंगे क्या है। जी हाँ, ये माँ है, क्योंकि ये अब सीधा चंद्रमा है। सीधा चंद्रमा में अब चंद्र ग्रहण लग गया है, तो खैर इसमें तो ये सूट नहीं हो रहा है, बट हाँ सीधा चंद्रमा में ग्रहण कट लगा हुआ है, तो आप इसको माँ कह सकते हैं। ये देखिए ये मेरा पा है। ये देखिए पा मेरा चौथी बार आया है। आई होप आप एक बार देखने के बाद खुद क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड है। तो आप देखते हैं ये क्या है। तो ये हमारा ला ऊपर की ओर है। चलते हैं हम आगे की ओर। ये देखिए ये हमारा खा है। ये देखिए ये मेरा लाइट बना हुआ है, ये पा है। ये भी लाइट है, ये हमारा ठा है। आगे चलते हैं। ये देखिए ये मेरा राइट साइड पर है, ये हमारा जा है। अब देखिए ये फा है। मैंने आपको इस तरह कॉलम वाइज बताया है कि आपको क्लियर हो। ये देखिए मैंने आपको नंबर भी डाले हुए, ये देखिए थर्ड नंबर फोर्थ नंबर नंबर भी डाले हुए हैं, ताकि आपको क्लियर हो। क्योंकि अगर मैं ऐसे सीक्वेंस में रो में लिखती तो शायद थोड़ा दूर दूर नहीं हो पाता और थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, इसलिए मैंने क्लियरिटी के लिए कॉलम्स में बताए। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ये हमारा दा है। दा कौन सा है? ये दा बायां है।
जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हम फोर्थ नंबर में आ चुके हैं। ये देखिए ये हमारा फा है, ये हमारा टा है, ये हमारा जा है, ये हमारा था है। अब आप बताइए ये क्या है। ये देखिए ये मेरा था लेफ्ट वाला यानी बायां। अब आप बताइए ये मेरा क्या है, थ दायां। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए ये ही हमारा दा, दा तो है लेकिन कौन सा है, दा बायां है। ये देखिए ये, अब देखिए उल्टा चंद्रमा है, उल्टा चंद्रमा में जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है, जी हाँ वो ना होता है। अब ये देखिए ये सीधा चंद्रमा है, इसमें कोई ग्रहण नहीं है तो ये ना। ये देखिए ये हमारा का है और ये हमारा श, श और श, ये तीनों शा हमारे शॉर्ट हैंड में ऐसे ही लिखे जाते हैं। ये देखिए ये तीनों शा, ये देखिए ये हमारा कौन सा शा है, लेफ्ट राइट, राइट है कि लेफ्ट है, ये देखिए ये है। अब हमारा ऐसे है तो ये हमारा हुआ लेफ्ट वाला, तो ये देखिए ये हुआ हमारा बायां सा। आगे चलते हैं, ये हमारा ह है ऊपर की ओर। आपको भी ऊपर नीचे लिखना है और विशेष ध्यान रखिएगा कि ऊपर नीचे गलत ना हो। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी, मैं आपको आगे यूज़ बताऊंगी कि इनका कैसे करते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए अब आप बता सकते हैं ये क्या है। आई थिंक ये तीसरी बार आया है एक ही एक्सरसाइज में। आगे चलते हैं, ये देखिए ये हमारा, ये देखिए ये मेरा सा दायां वाला है। ये तीनों सा होंगे, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये देखिए ये हमारा य है, या से यज्ञ। मैंने आपको बताया था ना यम और वन, कि य जो होता है वो अंदर की ओर होता है, क्योंकि यम जो होता है वो बंद टाइप में आते हैं, किसी को पता नहीं चलता ना जब यमराज आते हैं, इसलिए यम जो होगा यानी य और म अंदर की ओर यानी झुके हुए होंगे, अंदर की ओर बंद होंगे, जिससे आपको क्लियर होगा। ये हमारा ठा है, ये हमारा ना है, ये लाइट लिखा हुआ है। ये देखिए ये हमारा लाइट लिखा हुआ है। ये देखिए ये मेरा या है। मैं आपको सिक्स नंबर से खुद करने के लिए दूंगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। ये देखिए अब मैं आपको ये बताऊंगी ये क्या लिखा है, तो ये आप खैर बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये देखिए ये भी आप बता सकते हैं, अब आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। ये देखिए बहुत अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। राम मेरा पाँचवीं बार आया है। अब ये देखिए ये ता है, त बायां, ठीक है, ये प, ये का। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। ये देखिए ये लाइट लिखा हुआ है ज़ीरो डिग्री पर, ये राइट साइड के झुकाव में, सॉरी आंसर बोल रही थी मैं, डार्क लिखा हुआ है। ये देखिए ये फा लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के झुकाव में, सॉरी मैंने आंसर बता दिया। ये देखिए ये राइट साइड के झुकाव में लिखा हुआ है। अब आप बताएंगे कि ये क्या है। ये देखिए आगे ये लाइट लिखा हुआ है, इसमें कट है और राइट साइड के झुकाव में है। आगे देखिए, आगे ये है मेरा, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने आपको द्विव्यंजन नहीं बताया। द्विव्यंजन जो होते हैं, जो सड़क वाला अड़ा होता है, ये देखिए मैं आपको ऊपर बता रही हूँ, ये देखिए सड़क वाला जो अड़ा होता है, माफ़ी चाहूँगी ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ लिखती हूँ ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए जो सड़क वाला अड़ा होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये र और रामिकट। मैंने आपको अड़ा भी ऐसे ही बताया था, जबकि मैंने आपको ये भी बताया था कि अड़ा जो है वो न का प्रोनंसिएशन लेता है, इसलिए अड़ा में हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारा सड़क वाला अड़ा होगा। वैसे अड़ा वो गलत नहीं है, बट हम ना लिखेंगे अड़ा की जगह। जैसे मैं आपको अपना नेम लिख के दिखाती हूँ, वैष्णवी, व श न वी, वी की मात्रा ऐसी लगेगी, तो ये हो गया वैष्णवी।
वैष्णवी, यहाँ मेरी ए की मात्रा लगेगी, तो ये हो गया मेरा वैष्णवी। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, जो पढ़ाई वाला ढा होता है उसको हम ऐसे ह लिखते हैं और हा का कट कर देते हैं, तो ये हमारा पढ़ाई वाला ढा और सड़क वाला ढा ये ऐसे बनता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, ये जो है ये मेरा ये सड़क वाला ढा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप ये देखिए और ये बताइए ये क्या है। ये च वर्ग से है, ये लाइट कट है। ये देखिए, ये जो है हमारा द्विगुण द्विव्यंजन का है, ये देखिए ये। और अब आप बताएंगे ये क्या है, ये हमारा नीचे वाला है। आई होप आप ये मुझे बता सकते हैं, और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं कोई बात नहीं, मैं इसको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में अपने। ये देखिए, ये है हमारा, मैं नहीं बताऊंगी आपको। ये देखिए, ये लाइट है, तावर्ग का है, ये पता नहीं क्या है, आप बताएंगे। ये देखिए, ये भी तावर्ग से ही संबंधित है। ये लीजिए, ये तावर्ग से संबंधित है। ये देखिए, ये डार्क है, और ये जो थे ये दोनों ये लाइट थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।